वे वेलकम बैक टू लॉ प्रीप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल YouTube चैनल NLU दिल्ली ने यानी आपके एलीट के पेपर ऑर्गेनाइजर ने एक फाइनल एग्जाम के पहले कुछ पर्टिकुलर्स जारी किए हैं क्या है वो लेट अस गो थ्रू व्हाट थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू डू एंड ऑन व्हाट टाइम यू आर सपोस्ड टू रीच सो द फर्स्ट थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन दिस इज 1.30 आवर्स पहले मतलब क्या एक घंटा तीस मिनट पहले आपको पहुंचना है मतलब डेढ़ घंटा पहले पहुंच जाना आप लोग उसके बाद में टू फिफ्टीन के बाद में किसी को वो अलाउ नहीं करेंगे सो गाइज प्लीज रीच देयर ऑन टाइम अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा आप बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप शांति से अपना पेपर दे पाएंगे नहीं तो पंद्रह मिनट पेपर के आपने ऑलरेडी खराब कर दिए हैं now the rings that you are required to take with you so black and blue ballpoint pen of course admit card i hope sab logon ne print kar liya hoga if you wish to you may print it in colored you may take the instruction sheets as well iske baad mein any valid photo id proof a photo id proof mein hum logon ne dekha hai wo kya hota hai वो आपका proof जिसमें ki photo साथ में होती है. तो starting with the best is what the best is आधार कार्ड. ट्वेल्थ का आपका वो भी हो सकता है टेंथ का भी हो सकता है मार्कशीट्स हो सकती है आपकी ये दोनों की या फिर लाइक uh, पर्टिकुलरली like आपका किसी पे भी हो वोटर आईडी हो गया तो उस पर भी फोटो होता है सो बेस्ट इज टू टेक आधार कार्ड विथ यू इट्स ओके नाउ इफ यू हैव नॉट अपडेटेड दे वुड बी लीनियन बट जस्ट टू अवॉइड द मिस्टेक्स हैव डन अर्लियर बाद में इसको अपडेट करवा लीजिएगा फिर है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल नाउ यू आस्क मैम व्हाट इज ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल या आप लोगों में से बहुत सारे लोग फ्लाट भी आ चुके हैं तो सीख चुके होंगे पानी के बिस्लरी की कोई भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल लो उसका लेबल हटा दो दिस इज वॉट दिस इज ट्रांसपेरेंट वॉटर बॉटल राइट नथिंग टू बी सो स्केय ऑफ नाउ अब क्या करना है आपको अपना पेन खुद लाना है लोगों से मांगना मंगाना बिल्कुल अलाउड नहीं होगा नो शेयरिंग इज अलाउड इन द पेपर Now they are strictly prohibited for any communicating devices, such as cell phone, electronic gadgets, digital watches, mobile phones. So digital wash, analog watch so you may not take your digital watches, mobile phones, Bluetooth devices, earphones, pagers, health apps, calculators into the exam. So people who are prepared to take calculators, please leave your calculators outside only. Right? अब क्या इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग देपर दैट इज गिवेन टू यू नाउ इट वुड बील प्लास्टिक और ओ एम आर होना चाहिए साथ में नाउ शुड आर क्लियरली विजिबल टू कैंडिडेट थ्रू दील्ड प्लास्टिक एनवल कैंडिडेट आर रिक्वायर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर एनी टेज अ प्रो टेप गाइज कोई भी एग्जाम देने जाते हो हमेशा सबसे पहले क्या चेक करोगे आप दैट यस देपर इज योर्स द आंसर इज योर्स पूरा पेपर खोल के देखना होता है कोई पेपर चिपका हुआ तो नहीं है किसी में मिस प्रिंट तो नहीं है इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली रीड करना राइट एनी पेपर दैट यू गो थ्रू दीज आर द टिप्स दैट यू शैल फॉलो ऑलवेज अब इसके बाद में आ, अगर एक कुछ इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि कोई भी दिक्कत होती है तो पहले बता देना राइट right? Any mistake in filing the particular OMR oh response sheet, the candidate may be asked to correct them on the same OMR. Oh in such a situation, no question booklet and OMR oh shall be replaced. A second bank OMR oh response sheet will not be given under any circumstances. Now all my q is Jinjin koki problem thief. मैम एक बार में ऑनमार्क कभी सही नहीं होती है अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा आपको वहीं खड़े होके वो बोलेंगे इसमें करेक्ट करो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट वेज दैट पीपल हैव डिफरेंटली डेल इन एग्जाम या तो वो आएंगे ब्लेड के साथ उसको रिमूव करेंगे राइट right? या फिर वो आपको उसी में नीचे फिल करने को बोलेंगे किसी भी जगह पे बहुत चिंता हो जाएगी टाइम वेस्ट हो जाएगा आई रिक्वेस्ट यू टू कामली एंड वेरी अश्योरली फिल योर ओएमार्स ठीक है कोई भी ओएम आई नहीं, नहीं दी जाएगी ओनली वन ओएम शीवन राइट ओनली वन ओएम किसी भी हालत में वो कुछ नया नहीं देंगे यू कैन ओनली यूज ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स बॉल पॉइंट पेन ध्यान रखना मैंने पहले भी बोला है कि ओएमआर फिलिंग का एक अलग से पेन आता है यू में टेक दैट ऑल्सो एंड शेडिंग करने के लिए बबल्स फिल करने के लिए जस्टो पोस्ट टू यूज दैट हर क्वेश्चन बुकलेट पे एक रोल नंबर होगा ओए मार्क में भी आपको वो फिल करना है अगर आपने एक के साथ में कुछ और मार्क कर दिया तो वो रॉन्ग आंसर होगा और रॉन्ग आंसर में हमेशा पॉइंट टू फाइव डिडक्ट हो जाएगा राइट सो यू हैव टू डू इट पर्टिक्युलरली करेक्ट करना है हर आंसर शीट को आपको ओए मार्क को सिर्फ पेपर पर टिक नहीं करना है आपको इसके अंदर भी टिक करना है हर रेफरेंस के उसमें सबमिटेड टू द इनविजिलेटर आफ्टर द टेस्ट वाज नॉट टू फोल्ड रिंकर टेयर रिस्पॉन्स शीट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस जो भी आपका ओ है उसको गलती से नहीं करना है प्रॉपर फिलिंग ऐसे होगी आप लोग अगर इसी के जगह ये, ये, करके आ गए या ऐसे ऐसे, ऐसे 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 कर दिया तो ये सब गलत होगा तो राइट वे टू डू इज सी ठीक है आगे बात समझ में Now for every right answer will be राइट uh, one marks for every wrong deducted point two five हमें ये पता ही है right? Collect method of darkening, wrong method of darkening, wrong method of darkening, wrong methods. मैथड आगे बात समझ में wrong right मत करना चार बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा और आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट सामने वाले इंसान को दे देनी पड़ेगी आपको जब तक पूरा invigilator कलेक्ट नहीं कर लेते आपको वो हॉल पर्टिकुलरली छोड़ने नहीं दिया जाएगा अनमार्क क्वेश्चन विल नॉट बी वैटेड इंडिकेटेड एनी मार्क और सिंपल ऑन दीट विद रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन आपको जो भी बोला गया है वो पर्टिक्युलरली आपको वैसे ही करना है कोई भी चीज आपने एक्स्ट्रा करी अपने उसके अलावा करी तो वो इसमें काउंट नहीं होगा राइट सो दीज आर पर्टिक्युलर गाइडलाइंस एवरी इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज अबाउट एनी गाइडलाइंस यू में कॉमन डाउन बिलो एंड वी शाल आंसर ईच एंड एवरी all the best everyone i hope your paper is nice and see you after you get into your favorite nlu thank you everyone